गाइस वेलकम टू सुमित व्लॉग 27। तो आज हमारे साथ में मारुति की सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाली कार मारुति सुजुकी एक्सप्रेस प्रो। अगर गाड़ी की जो है अगर फ्रंट प्रोफाइल की बात की जाए तो सामने से देखने पे कार आपको कुछ ऐसा लुक ऑफर करती है जिसमें आपको जो है अगर इसके हेडलैम्प की बात की जाए तो कुछ ऐसे नॉर्मल हाइलोजन हेडलैम्प देखने को मिल जाएंगे गाड़ी में। और यहाँ पर आपको जो है इसकी ब्लैक ग्रिल में जो है सेंटर पर सुजुकी का लोगो देखने को मिल जाएगा। ये इसका जो है VXI वेरियंट है, तो आपको इसमें क्रोम एलिमेंट वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। और अगर इस गाड़ी की चौड़ाई की बात की जाए तो 1520 मिलीमीटर गाड़ी की चौड़ाई है। और अगर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो 180 मिलीमीटर गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है। इसमें आपको फॉग लैंप वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। कंपनी आपको इसमें DRL का ऑफर करती है, अगर आप लगवाना चाहें तो लगवा सकते हैं कंपनी से। गाड़ी के अगर जो है साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड से देखने पर कार आपको कुछ ऐसा लुक ऑफर करती है। इसमें गाड़ी की लंबाई की बात करें तो 3565 मिलीमीटर गाड़ी की लंबाई है। और इसमें आपको जो है 14 इंचेस के जो है व्हील देखने को मिल जाएंगे जो कि स्टील व्हील हैं। इस पर आपको व्हील कैप देखने को मिल जाएगा। फ्रंट में आपको डिस्क, रेयर में आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलेंगी गाड़ी पे। फेंडर पे आपको जो है साइड टर्न इंडिकेटर वगैरह देखने को मिल जाएगा। और इसमें आपको ORVM की बात करें तो ब्लैक ORVM वगैरह देखने को मिल जाएंगे। आपको ऊपर की तरफ नॉर्मल एंटीना देखने को मिल जाएगा कार में। अगर इसके जो है फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की बात करें तो 27 लीटर गाड़ी का जो है फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है। यहाँ पे नीचे आपको जो है थोड़ा ब्लैक ग्लाइडिंग टाइप की देखने को मिल जाएगी। और गाड़ी अगर कहीं नीचे से टच होती तो बॉडी पे इंपैक्ट नहीं आएगा। तो चलिए चलते हैं गाड़ी के पीछे की तरफ और आपको दिखाते हैं गाड़ी की बैक प्रोफाइल कैसी है। अगर गाड़ी की बैक प्रोफाइल की बात की जाए तो पीछे से देखने पे आपको जो है एस्प्रेसो कुछ ऐसा लुक ऑफर करती है जिसमें आपको जो है ऊपर की तरफ हाई माउंट स्टॉप लैंप वगैरह देखने को मिल जाएगा गाड़ी में। और नीचे की तरफ आप आते हैं जैसे इसके जो है पीछे की तरफ तो आपको जो है सुजुकी का लोगो देखने को मिल जाएगा। और उसी के जस्ट नीचे आपको जो है लॉक देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एस्प्रेसो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। अगर इसके जो है बाइक लाइट की जो है बात करें तो यहाँ पर आपको जो है साइड टर्न इंडिकेटर वगैरह देखने को मिल जाएगा। यहाँ रिवर्स पार्किंग लैंप देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको बैकलाइट वगैरह देखने को मिल जाएगी। नीचे की तरफ आपको जो है सेंसर जो है दो सेंसर मिल जाएंगे, दो रिफ्लेक्टर वगैरह देखने को मिल जाएंगे आपको गाड़ी में। और इसमें आपको जो है लोअर बम्पर जो है ब्लैकआउट देखने को मिल जाएगा कार में। तो चलिए अभी चलते हैं आपको दिखाते हैं इसमें स्पेस वगैरह कैसे है। पीछे की तरफ बैठते हैं तो चलिए चलते हैं। अगर जो है गाड़ी की बात की जाए तो इसमें आपको एक लॉक अनलॉक सेंटर लॉक वाली की मिल जाएगी। एक नॉर्मल की ऑफर करती है गाड़ी। तो चलिए अभी चलते हैं इसके पीछे की तरफ और आपको दिखाते हैं इसके डोर प्रोफाइल। तो जैसे इसके जो है डोर प्रोफाइल को ओपन करते हैं इसमें आपको जो है पूरा ब्लैक फिनिश देखने को मिल जाएगी गाड़ी में। जहाँ पे आपको जो है बॉडी ब्लैक में ही जो है गेट ओपनर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको जो है मिरर रोल डाउन करने के लिए आपको मैनुअल करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको जो है थोड़ा गेट वगैरह बंद करने के लिए स्पेस देखने को मिल जाएगा गाड़ी में। तो चलिए बैठते हैं कार के अंदर और आपको दिखाते हैं कि कैसी है गाड़ी। तो चलिए बैठते हैं गाड़ी के अंदर और आपको दिखाते हैं। तो जैसा कि हम गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं, यहाँ पे जो है गाड़ी मेरी हाइट जो है 5 फीट 4 इंचेस है। तो कुछ ऐसा स्पेस ऑफर कर देगी गाड़ी आपको। यहाँ पे अगर अंदर की साइड मैं दिखाऊं तो आपको जो है पूरा मैनुअली जो है विंडो रोल डाउन करने के लिए हैंडल देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको जो है थोड़ा सा गेट ओपनर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जो है फिक्स्ड जो है ग्रैब हैंडल देखने को मिलेंगे कार में। तो अगर पीछे से आपको दिखाऊँ तो कुछ ऐसी जो है इंटीरियर की थीम है, पूरा ब्लैक इंटीरियर देखने को मिल जाएगा गाड़ी में। ऊपर की तरफ आपको जो है लाइट वगैरह देखने को मिल जाएगी। मैनुअली एडजस्टेबल IRVM मिल जाएगा गाड़ी में। यहाँ पे आपको जो है सीट बेल्ट वगैरह देखने को मिल जाएंगे गाड़ी में। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ और आपको दिखाते हैं। अगर हम एस्प्रेसो के जो है डोर प्रोफाइल को ओपन करते हैं तो कुछ ऐसी प्रोफाइल नज़र आती है। पूरा ब्लैक थीम देखने को मिल जाएगा हमें डोर पर। यहाँ पर आपको जो है गेट ओपनर भी ब्लैक मिल जाएगा यहाँ पे गेट बंद करने के लिए। यहाँ पे आपको कोई पावर विंडो के कंट्रोल देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आपको मैगजीन होल्डर मिल जाएगा। यहाँ पे आपको बोतल होल्डर वगैरह देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जो है स्पीकर देखने को मिल जाएगा गाड़ी में। आपको दो स्पीकर देखने को मिलेंगे, एक इधर एक उधर। अगर इसकी सीट की बात करें तो इसमें आपको जो है रिक्लाइन सीट देखने को मिलेंगी। हाइट एडजस्टेबल वगैरह सीट देखने को नहीं मिलेंगी कार में। यहाँ पर आपको इसके आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जो है पूरा
इसका जो है हेडलाइट का लेवलर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको ABC पैडल देखने को मिल जाएंगे कार के, यहाँ पे लॉक देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे जो है हेडलैम्प के जो है कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको जो है वाइपर के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे, कुछ ऐसा इंटीरियर का लुक देखने को मिलेगा गाड़ी में। अगर इसके सीट की बात करें तो इसमें आपको जो है फिक्स्ड पूरे जो है हेडरेस्ट वगैरह देखने को मिलेंगे गाड़ी में। और चलिए अभी बैठते हैं गाड़ी के अंदर और आपको दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी गाड़ी में। अभी लगाते हैं इसकी की को, तो फिर अभी दिखाते हैं आपको एक मिनट। की को मैं लगाता हूँ यहाँ पे, तो जैसे हम गाड़ी के जो है इग्निशन को ऑन करते हैं तो कुछ ऐसा आपको मीटर कंसोल देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको जो है स्पीड वगैरह दिखाएगी, यहाँ पे आपको जो है MID देखने को मिल जाएगी छोटी सी, जहाँ पे आपको जो है पूरा मतलब ट्रिप ए ट्रिप बी वगैरह देखने को मिल जाएंगी, यहाँ पूरे आपको जो है मतलब सारी चेकलाइट वगैरह देखने को मिल जाएंगी। कुछ ऐसा आपको जो है यहाँ पे जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाएगा गाड़ी में, जहाँ पे आपको जो है वॉल्यूम अप डाउन वगैरह, और नीचे की तरफ आपको AC के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे मैनुअल, यहाँ पे हजार्ड लाइट का स्विच देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे विंडो अप रोल डाउन करने के लिए जो है स्विच देखने को मिल जाएंगे गाड़ी में, और यहाँ पे आपको ऐसा कुछ IRVM देखने को मिलेगा कार में, यहाँ पे आपको लाइट वगैरह देखने को मिल जाएगी हाइलोजन में। और इसमें अगर जो है सनवाइजर की बात करें तो इसमें आपको जो है पूरा मतलब कोई मिरर वगैरह देखने को नहीं मिल जाएगा, नॉर्मल सनवाइजर मिल जाएगा, यहाँ पे आपको फिक्स्ड ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाएगा गाड़ी में। यहाँ पे अगर इसके जो है ग्लव बॉक्स की बात करें तो कुछ ऐसा डीप ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाएगा कार में, और कुछ ऐसी प्रोफाइल है गाड़ी की। और यहाँ पे नीचे की तरफ आपको मिल जाएंगे दो बोतल होल्डर या ग्लास होल्डर, यहाँ पे आपको मिल जाएगा जो है 12 वोल्ट का सॉकेट, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन गाड़ी का, और यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक वगैरह कंट्रोल, यहाँ पे सीट बेल्ट वगैरह। और इसके अगर जो है स्टेयरिंग व्हील की बात की जाए तो नॉर्मल स्टेयरिंग व्हील देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये जो है इसका VXI वेरिएंट है, यहाँ पे आपको सुजुकी का लोगो देखने को मिल जाएगा, यहाँ एयरबैग की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, और उधर की तरफ आपको एक एयरबैग देखने को मिल जाएगा गाड़ी में। तो कुछ ऐसा इंटीरियर है गाड़ी का, यहाँ पे दो AC वेंट वगैरह देखने को मिल जाएंगे। अगर ड्राइवर साइड सनवाइजर की बात करें तो यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, ओनली टिकट होल्डर मिल जाएगा गाड़ी में। तो यहाँ से आपको जो है पावर विंडो के कंट्रोल है, मतलब कि दो विंडो आगे वाली आपको पावर विंडो मिलेंगी, इसे अप डाउन कर सकते हैं आप। तो अभी चलते हैं पीछे की तरफ और आपको दिखाते हैं, अगर चलिए चलते हैं। अगर गाड़ी की जो है बूट स्पेस की बात की जाए तो इसमें आपको 240 लीटर का काफ़ी ज़्यादा डीप बूट स्पेस देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको पूरा जो है पूरी सीट फोल्ड करने का ऑप्शन है, अगर आप काफ़ी ज़्यादा बूट स्पेस चाहते हैं तो आप इसे फोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है इसकी जो है स्टेपनी व्हील देखने को मिल जाएगा गाड़ी में। तो अभी चलते हैं आगे की तरफ और आपको दिखाते हैं इसका इंजन वगैरह कैसा है। अगर इसके जो है इंजन की बात की जाए तो इसमें आपको मिलता है 1 लीटर का जो है पेट्रोल इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है जो है तकरीबन जो है 66 HP की पावर और जो है 90 Nm का टॉर्क। तो भाई अगर इसके माइलेज की बात की जाए तो इसमें आपको मिल जाती है 24 KMPH की माइलेज, कंपनी क्लेम करती है 22 की। अगर आप इसे अच्छे से ड्राइव करते हैं तो आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा माइलेज देखने को मिल जाएगा गाड़ी में। तो भाई अगर इस गाड़ी के ऑन रोड प्राइस की बात की जाए तो अभी हम खड़े हुए हैं KTL ऑटोमोबाइल में, यहाँ का पूरा कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सभी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगी और स्क्रीन पर भी शो हो रहेंगी। अगर आप जो है सुजुकी की कोई कार प्लान करते हैं तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और पूरी डिटेल वगैरह अपनी बुकिंग वगैरह करवा सकते हैं। तो भाई यहाँ पे गाड़ी आपको ये पड़ती है जो है 6,09,000 रुपये की, ये वाला मॉडल, इसका जो है ये VXI मॉडल है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू गाइस।